और सीधे रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, गंगोत्री धाम का रुख करते हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद गंगोत्री के कपाट खुलने वाले हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में एक बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, गंगोत्री धाम के कपाट अब से कुछ ही देर बाद खुल जाएंगे। लोग इस यात्रा के लिए बेहद उत्साहित, ढोल नगाड़ों की थाप के बीच ये उत्साह श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। तो चार धाम तैयार, चलो बाबा के द्वार, इस तरीके का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि चार धाम यात्रा को लेकर लगातार विपक्ष घेरता नजर आया सत्ता पक्ष को कि चार धाम यात्रा कैसे सुगम होगी, और ये एक चुनौती भी है उत्तराखंड सरकार के लिए कि इसे कैसे सरल और सुगम बनाया जाए। इसको लेकर जो तैयारियां हैं, तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल भी किया गया, जैसा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तैयारियां चुस्त दुरुस्त और ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। तो अब ये ऐतिहासिक यात्रा को लेकर सभी की निगाहें इस चार धाम यात्रा में है। शुरुआत और आगाज हो चुका है, गंगोत्री के कपाट खुलने ही वाले हैं अब से थोड़ी देर में, और इसको लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पुरोहित हैं, श्रद्धालु हैं, नजर आ रहे हैं, और देश विदेश से इस चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। और आप तस्वीरों में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी देख पा रहे हैं। गंगोत्री भाई आगे से आगे भाई जी, अरे गंगा जल का, क्योंकि उत्तराखंड अपने नेचर के लिए जाना जाता है, एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, और गंगोत्री के कपाट के बाद आप विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच गंगा जल से आचमन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ये तस्वीरें इस वक्त के न्यूज आपको दिखा रहा है उत्तराखंड से गंगोत्री धाम की। ये तस्वीरें जहाँ पर उत्तराखंड के सीएम की मौजूदगी और विधि विधान से पूजा पाठ के साथ आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल की थाप, मंत्रोच्चारण की गूंज, सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस चारधाम यात्रा का एक अपना विशेष महत्व है। देश विदेश से लोग इस चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये बेहद अहम यात्रा मानी जाती है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है, पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि भारी तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है, गंगोत्री धाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी, मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, विधि विधान के साथ आचमन, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप जो बैक साइड से जो धुन सुन पा रहे हैं, धूल की थाप, यहां पर पूरी तरीके से अब चारधाम यात्रा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और इसके बाद यहां से शुरुआत होगी चारधाम यात्रा की। जो श्रद्धालु हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
वापस लौटते हैं प्रयागराज से। बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड की जांच से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पुलिस को अतीक के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप मिला है। शेर ए अतीक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप मिला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अतीक के बेटे असद ने करीब 200 लोगों को जोड़ रखा था, जिसमें शूटर और शाइस्ता के मददगारों के भी नाम शामिल हैं। इसी साल नवंबर में ही ग्रुप बंद कर दिया गया था असद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगालने पर यह ग्रुप मिला है। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन अतीक का बेटा असद था, पुलिस को शक है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं गंगोत्री धाम का, यानी कि उत्तराखंड का। तो एक अलग ही तस्वीर, तो गंगा जल से आचमन और गंगा की पूजा विधि विधान के साथ। पूरा भक्तिमय वातावरण इस गंगोत्री धाम में इस वक्त नजर आ रहा है। पूजा पाठ करके चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। अब पूरी तैयारी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, श्रद्धालुओं का जमावड़ा इस बीच यहां पर नजर आ रहा है। और एक अलग ही माहौल, एक अलग ही यहां पर रंग देखने को मिलता है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, बेहद ही उत्साहित करने वाली ये तस्वीरें गंगोत्री धाम की। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी, तो गंगा घाट की पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं के बीच में एक अलग कला इस वक्त यहां पर टीवी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। अलग अलग कलाकृतियों का एक अनोखा तो यह आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख पा रहे हैं गंगोत्री धाम की। ये तस्वीरें जहां पर एक तरफ लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है, जो गंगा यहां पर गंगा घाट का पूजा अर्चना करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस बीच एक जो डोली है, कहते हैं गंगा घाट पर ही गंगा माँ का भव्य मंदिर बनाया गया है। पूजा पाठ, वहां से डोली उठाई जाएगी और इसके बाद चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो अलग अलग कलाएं यहाँ पर मनमोहक करने वाली हैं, जो नृत्य करते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज में देख पा रहे हैं। लोगों के जमावड़े के बीच अभिवादन करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगा घाट का पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं के बीच से गुजरते हुए, क्योंकि यहां से गंगा मंदिर से डोली उठती है और यहां से शुरुआत हो जाती है चार धाम यात्रा की। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त के न्यूज में आप देख पा रहे हैं। पूरी तरीके से तैयारियां चरम पर है, श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, ये जो सीधी तस्वीरें आप गंगोत्री धाम से देख पा रहे हैं इस वक्त, और दूर दूर से यानी कि देश विदेश से यहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। तो कोरोना का माहौल, कोरोना के केस में लगातार इजाफा होता जा रहा है और कोरोना के बीच इस चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने का
उत्तराखंड सरकार को एक चुनौती भी है कि इसे कैसे सुगम बनाई जाए। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें गंगोत्री धाम से आप देख पा रहे हैं, तो आगाज और शुरुआत होने जा रही है चार धाम यात्रा की। और पूजा पाठ, जो कहते हैं गंगा घाट में ही गंगा माँ का मंदिर का निर्माण है, और इस मंदिर से डोली उठेगी और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी यात्रा की। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और तस्वीरों में जैसा कि चारधाम यात्रा को लेकर, सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चारधाम यात्रा को लेकर एक सुरक्षा, फिलहाल जो तस्वीरों में नजर आ रही है, सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी, जो पुरोहित हैं उनकी मौजूदगी, भारी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी, तो इंतजार हो रहा है और ये इंतजार थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा। ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, गंगा माँ का ये मंदिर, और इसके बाद यहां से शुरुआत, बस ये इंतजार भी थोड़ी देर में खत्म होगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गंगोत्री धाम की, ये तस्वीरें हैं बेहद उत्साहित करने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि एक लंबे अरसे से चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, और तैयारियां जैसे जैसे ये समय कम होता है तो तैयारियां चरम पर होती हैं, और अब अंतिम रूप यहाँ पर तैयारियों का भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हो रहे हैं, जैसा कि अगर बात की जाए तो उन्होंने जो आगाज किया ऋषिकेश से, बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और इसके बाद आज गंगोत्री धाम में मौजूदगी, गंगा घाट की पूजा अर्चना के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर, ये बेहद ही, ये तस्वीरें इस बात को बताती हैं कि एक सम्मिलित हैं पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर। श्रद्धालुओं के बीच में उनकी मौजूदगी ये बताती है कि चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने का जो प्रयास है वो नज़र आ रहा है। तो ये डोली, जो दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो श्रद्धालुओं का जमावड़ा और इस डोली को उठाकर यहाँ से, कहते हैं अगर मंदिर से डोली उठकर जब चलती है तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है चारधाम यात्रा की। तो मंदिर में पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण की गूंज भी सुनाई दे रही, और सभी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो मंदिर के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, और ये इंतजार थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये कपाट खुल जाएंगे और इसके बाद शुरुआत हो जाएगी चारधाम यात्रा की। मंत्रोच्चारण की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख पा रहे हैं आप, और कपाट खुलने का इंतजार सभी को है। सभी लोग जो श्रद्धालु भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से
सुरक्षित इस यात्रा को सकुशल तरीके से संपन्न बनाने की चुनौती है उत्तराखंड सरकार के लिए। तो आस्था एवं विश्वास का प्रतीक है चारधाम यात्रा का हार्दिक स्वागत करते हुए और पूजा पाठ में इस वक्त सम्मिलित नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कपाट खुलने का इंतजार बेसब्री से सभी यहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालु कर रहे हैं और कुछ दिन बाद इस इंतजार पर विराम लगेगा। उत्तराखंड की ये चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर एक लंबे अरसे से चल रही हैं और इंतजार रहता है सभी को इस चारधाम यात्रा का। तो तैयारियां पहले से हैं, गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं, धूल की थाप के बीच उत्साह चार धाम के श्रद्धालुओं का साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो यमुनोत्री के भी कपाट खुलेंगे, फिलहाल ये तस्वीरें गंगोत्री धाम की हैं। तो ढोल लगाड़ों की थाप और लोगों में उत्सुकता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कपाट खुलने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। मंदिर परिसर की ये तस्वीरें जहां पर श्रद्धालु दूर दूर तक नजर आ रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें के न्यूज में आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विधि विधान से इस मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही ये पूजा अर्चना समाप्त होगी इसके बाद कपाट खुलेंगे और यहां से शुरुआत हो जाएगी यात्रा की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं गंगोत्री धाम का जहां पर पूजा अर्चना विधि विधान से शुरू हो चुकी है और कपाट खुलने का इंतजार सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी, ये गंगोत्री धाम की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच ये पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। तो 25 अप्रैल को बाबा केदार के और 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल आज जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी इस वक्त के न्यूज में, ये गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं और जब 25 और 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे तो उस बीच
प्रसिद्ध भजन गायिका अभिलेप्सा पांडा अपने भजन की प्रस्तुति पेश करेंगी, यानी कि कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। तो हर हर शंभु फेम भजन गायिका भी बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर भजन पेश करेंगी। तो गंगा मैया की जयकारे के साथ पूजा अर्चना और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं गंगोत्री धाम का। आज जो है तो गंगोत्री धाम में इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें और गंगा मैया के जयकारे के साथ पूजा का समापन, क्योंकि आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ इस वर्ष भी ये शंखनाद यानी कि कपाट खुलने जा रहे हैं। बेसब्री से इंतजार है इस पल का सभी श्रद्धालुओं को, सभी पुरोहितों को और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी, श्रद्धालुओं का जमावड़ा और ये तस्वीरें। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, क्योंकि पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है। तो शंखनाद के बाद ये कपाट खुल गए हैं, आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। जयकारे, शंखनाद, श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी देख पा रहे हैं, कपाट खुल चुके हैं, शंखनाद किया जा रहा है, जयकारे और उद्घोष ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, उत्साह बता रहा है ये चार धाम में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का। तो गंगोत्री धाम के कपाट इस वक्त खुल चुके हैं। तो गंगा घाट, गंगा मैया की पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। तो गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद ही चार धाम यात्रा का आगाज हो गया और सरकार की तैयारियां भी अपने चरम पर हैं। सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं के न्यूज में। और आज अक्षय तृतीया का दिन भी है और इस अवसर पर ये गंगोत्री धाम की तस्वीरें, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, चार धाम यात्रा का आगाज
और लोग इस कपाट खुलने के मौके को अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साहित लोगों का उत्साह, श्रद्धालुओं का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो लगभग आपको बता दें, समय भी कुछ ऐसा ही निर्धारित किया गया था। गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। हाथ जोड़कर इस वक्त सभी लोग प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग गंगोत्री के कपाट खुलने का जो समय पहले से निर्धारित किया गया था 12:13, लेकिन अब ये पूजा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कपाट खुल चुके हैं और इसके बाद यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री के कपाट खुलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। माँ गंगा की डोली आर्मी बैंड की धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। माँ गंगा की विदाई के दौरान जो मुखबा गांव के ग्रामीण हैं, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, जयकारे आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा नम भी हो जाते हैं इस विदाई में श्रद्धालु। डोली उठ चुकी है। गंगोत्री के ये कपाट खुल चुके हैं। जो डोली है वो रवाना हो चुकी है और जब माँ गंगा की डोली रवाना होती है तो इस वक्त लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, यानी कि भाव विभोर हो जाते हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत आगाज और इसके बाद यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। तो यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। गंगोत्री धाम की ये तस्वीरें आप इस वक्त के न्यूज में देख पा रहे हैं। कपाट खुल चुके हैं, जो माँ गंगा की डोली है वो रवाना हो चुकी है। उत्सुकता भी, खुशी भी चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में, और थोड़ा सा आंखें नम माँ डोली की, माँ गंगा की डोली की विदाई को लेकर आंखें नम भी हो जाती हैं। पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। जयकारे माँ गंगा के। तो माँ गंगा की डोली आर्मी बैंड की धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। आप सीधी तस्वीरें गंगोत्री धाम की देख पा रहे हैं। माँ गंगा की विदाई के दौरान जो यहाँ के ग्रामीण हैं, मुखबा गांव के ग्रामीण, थोड़े भावुक हो जाते हैं। शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है चार धाम यात्रा का और इस गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य व एम्बुलेंस सेवा की बात की जाए, उसके लिए भी नंबर जारी किए गए हैं 104 और 108। पुलिस कंट्रोल रूम के लिए भी नंबर जारी किए गए हैं 100 और 112। आपदा प्रबंधन कंट्रोल सेंटर के भी नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। पर्यटन विभाग चारधाम कंट्रोल रूम के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। और यहां पर इस वक्त ये तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर कपाट खुलने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है और कपाट खुलने, दूसरी तस्वीर आप कपाट खुलने की देख पा रहे हैं। आप पहली तस्वीर में इंतजार आप देख पा रहे हैं जहां पर लोग कपाट खुलने के बाद अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं, और आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना गंगा घाट की विधि विधान से की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और इसके बाद कपाट खुलने से पहले मंदिर परिसर में पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के बीच पूरी की गई और इसके बाद यहाँ पर कपाट खुल जाते हैं। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं।
अभी गंगा जी की आरती पूजा आप घंटा और घड़ियालों की ये धुन साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। माँ गंगा की आरती रही है कि भारी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर चारधाम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें बता रही है, देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। भव्य मंदिर सजा हुआ, ये मंदिर का प्रांगण, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और उत्तराखंड के सीएम की मौजूदगी के बीच गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और यहां से आगाज चार धाम यात्रा का, यानी कि मां गंगा की डोली यहां से रवाना होगी। चारधाम यात्रा में अगर प्रशासनिक सुरक्षा की बात की जाए तो करीब 4000 जवान यहां पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से। और इस वक्त ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं चारधाम यात्रा को लेकर। और ये चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच एक चुनौती है उत्तराखंड सरकार के लिए। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और यहां से मां गंगा की डोली रवाना होगी। तो श्रद्धालुओं का एक हुजूम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं भारी तादाद में। श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड के सीएम की मौजूदगी के बीच मां गंगा की आरती का समापन और आरती लेने के बाद ये डोली तो बेहद ही प्रफुल्लित करने वाली ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है क्योंकि गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं, तो श्रद्धालु बेहद ही उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। राजेश जी, अगर देखा जाए तो चारधाम यात्रा को लेकर इस गंगोत्री कपाट के खुलने से जो पहले की तस्वीरें थी वो भी बेहद उत्साहित नजर आईं। और इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अनम्यूट करिएगा। राजेश जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करिएगा। आपको आवाज मिल पा रही है सुनी? जी 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 बिल्कुल। देखिए सुनी, आज जो है बड़ा शुभ दिन है और कहा जा सकता है कि
आज जो है चार धाम के कपाट की शुरुआत जो हो चुकी है, और क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है वो खुल चुके हैं और लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधा गंगोत्री धाम से दिखा रहे हैं। इससे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट और गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो 12:35 के लगभग जो है वो खोले गए हैं और चार धाम यात्रा का एक आगाज जिसको कहा जा सकता है सुनी वो हो चुका है। और देख सकती हैं तस्वीरें बयां करनी है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और ताता जो है अब श्रद्धालु जी अनम्यूट करिएगा राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। सरकार तरफ से की गई है और या अब तक की बात करें तो बड़े कहा जा सकता है बड़ी संख्या में पंजीकरण जो है वो चार धाम के लिए तीर्थयात्रियों ने करा चुके हैं, क्योंकि अब तक की बात करें तो 16 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने जो है इन चारों धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हालांकि अभी तक की कुछ वाद विवाद भी जो है वो चार धाम को लेकर के खासतौर जो पुरोहित हैं उनके बीच में देखा गया था, क्योंकि एक सीमित संख्या को लेकर के सरकार ने फरमान जारी किया था। लेकिन हालांकि कल एक या एक बड़े दिल की बात कहें तो धामी ने उसको दिखाते हुए उस प्रस्ताव को जो है वो वापस लिया है, यानी कि अब असीमित संख्या में जो है वो श्रद्धालु जा पाएंगे चार धाम की दर्शन के लिए। और इसके साथ साथ लेकिन जो एक बार और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो आज गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 तारीख को खुले हैं, तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट कपाट खुले हैं वो बाबा केदारनाथ के खुले हैं, जो ठीक 25 अप्रैल को जो है वो खुलेंगे। उसके बाद जो है 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और इसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है उसके भी कपाट खुले हैं। तो कहा जा सकता है कि आज जो श्री गणेश है चारधाम यात्रा का उसका आगाज हो चुका है और खुद स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री जो वो इस समय गंगोत्री धाम में जो है वो मौजूद है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जिस तरीके से देखे जा रहे हैं एक उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मनमोहक एक नज़ारा जो है वो माँ गंगा की गोद से जो गंगा की उन्होंने आरती की और उसके बाद जो है 12:35 के लगभग जो है वो गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि कई चुनौतियाँ भी जो है वो धामी सरकार के सामने है, क्योंकि बर्फबारी अभी हाल ही में जिस तरीके से हुई है, तो चाहे वो बद्रीनाथ की बात करें या केदारनाथ, बिल्कुल चुनौती बड़ी है राजेश जी। अगर देखा जाए चार धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर कोरोना के बीच जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, अब संख्या भी श्रद्धालुओं की असीमित होगी, तो जाहिर सी बात है कि काफी चैलेंजिंग रहेगा उत्तराखंड सरकार के लिए। लेकिन जिस तरीके से मौजूदगी नजर आ रही है उत्तराखंड के सीएम की, गंगोत्री धाम के कपाट, फिर इसके बाद बद्रीनाथ के खुलेंगे, केदारनाथ के खुलेंगे, तो वहां पर भी मौजूदगी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि चुनौती बड़ी है लेकिन सकुशल इसे संपन्न भी कराना है। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी बीच आपको बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।